7 बजे चले जाएंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ी और रवाना हुए। कहाँ के लिए? कॉन्सर्ट के लिए। अब बैंड आया, उसने आके शुरू किया। क्या शुरू किया? उसने आगे गुलाबी आंखें गाया, और ऐसा गाया कि हमारी आंखों में से आंसू निकल आए, और हमने माजरत की गुलाबी आंखें ओरिजिनल गाने वालों से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत ही अच्छे बाद वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ पर्सनल रीजंस थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा था, मेरे पेपर हो रहे थे और बहुत से और काम। तो फाइनली आज हम वापस आ चुके हैं, और टाइटल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि व्लॉग कॉन्सर्ट से रिलेटेड है, यंगस्टर्स के कॉन्सर्ट से रिलेटेड है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ कि यंगस्टर्स के बहावलपुर में 2 कॉन्सर्ट हुए हैं, मतलब हाँ 2 कह सकते हैं कि 2 हुए हैं, एक ग्रुप फेस्ट और दूसरा यूरिका। तो हम आज बात करेंगे ग्रुप फेस्ट की, ठीक है, कि वो फेल क्यों हुआ। तो उससे पहले मेरी ऑडियंस जो ये सोच रही है कि भाई मीर अब्दुल्ला को ऐसा क्या हो गया कि वो कॉन्सर्ट में पहुंच गया, कॉन्सर्ट की जाने वाली जगह है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो बिल्कुल कॉन्सर्ट कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं है कि जहाँ पे जाया जाए, और ना ही मुझे कोई शौक है कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाने का। तो फिर सवाल ये आता है कि मैंने कॉन्सर्ट में क्यों गया। मैं कॉन्सर्ट में इसलिए गया क्योंकि मेरा मोटिव था कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जो कि कॉन्सर्ट के अंदर जाके ही बन सकती है, कि जिसमें मैं ये दिखा सकूँ आप लोगों को कि आपको कॉन्सर्ट में क्यों नहीं जाना चाहिए, स्पेशली अंडर 18 को। मेरे व्लॉग्स में वो बहुत से बच्चे देखते हैं, फैमिली के भी और भी काफ़ी सारे, तो उनको मैं ये बात समझा सकूँ कि भाई आपके पेरेंट्स अगर आपको मना करते हैं कॉन्सर्ट्स वगैरह पे जाने से तो वो क्यों मना करते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को भी मैं ये बता सकूँ कि भाई आप अपने बच्चों को क्यों कॉन्सर्ट पर ना भेजें। पहली बात तो आप ये ज़रा एक क्लिप देखें, ठीक है, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इस क्लिप में आपको ये जो धुआं जाता हुआ नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये कोई स्मोक मशीन नहीं लगी हुई, ठीक है, स्मोक मशीन भी थी वो स्टेज के ऊपर लगी हुई थी या उस दूसरी साइड पर लगी हुई थी, यहाँ पर कोई स्मोक मशीन नहीं थी, ठीक है। ये जो धुआं आपको नज़र आ रहा है ये ऑब्वियसली स्मोकिंग जो लोग कर रहे थे, सिगरेट वगैरह ये वो, इन चीज़ों का धुआं था, सिगरेट से भी ज़्यादा वेप्स का धुआं था। वेप आजकल एक नई चीज़ चल पड़ी है, जिन्हें नहीं पता उन्हें अच्छी बात है कि नहीं पता, बहरहाल हुक्के और शीशे की कुछ छोटी फॉर्म होती है वेप, जो कि पॉकेट में भी आ जाता है और सारा कुछ, और वो आजकल बहुत आम है ना, इसका कोई फ़ायदा है? फ़ायदा तो खैर किसी भी चीज़ का नहीं होता, लेकिन ये एक बड़ी ही कोई फजूल सी चीज़ है जो खाम खां, मैं यूँ कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास करने के लिए कुछ ना हो वो ये काम करते हैं। तो वेप्स वहाँ पर भाई खुले आम चल रहे थे, ठीक है, खुले आम मतलब जो बंदा गुजर रहा है उसके हाथ में एक कदा वेप है यार, हद हो गई, ठीक है। सेकंड चीज़ थी जी कि अक्सर लोगों को होता है यार कॉन्सर्ट में जाएंगे, गाने सुनेंगे, ये होगा वो होगा, तो गाने सुनने तो यार घर बैठ के सुन लो, ठीक है, चलो कॉन्सर्ट में जाके अपने लाइव परफॉर्मेंस भी देखनी है सुन लो, ठीक है, जो सुनने के बाद जो एक वो कैफियत तारी हो जाती है, मुझे इस चीज़ की आज तक समझ नहीं आ सकी कि भाई ये मतलब ये हरकत यार, ये आप खुद देख लें, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप खुद देखें। देखें, एक लड़का मैक्सिमम 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 उसकी एज होगी 13 ईयर्स, ठीक है, 12 या 13 ईयर्स, यार उस पर ऐसी कोई कैफियत नाजिल हुई हुई है, आंखें उसकी बंद हैं, झूम रहा है वो, पता नहीं क्या किस तरफ कौम चली गई है, ठीक है। ये 5-6 लड़कों का ग्रुप इकट्ठा हुआ है, कोई उन्हें दुनिया जान, माजर के साथ मेरे एक बहुत ही अच्छे जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया बाहुलपुर में कॉन्सर्ट्स वगैरह, ये कोई पहली दूसरी दफ़ा नहीं हुए, बाहुलपुर में कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं, खासतौर पे कोविड से पहले तो हर साल मन और यूरिका और सादिक मन, APS मन, यूरिका, पता नहीं क्या क्या, पंजाब कॉलेज वालों के कॉन्सर्ट्स, ठीक है, ये होते रहते थे, साल में 5-6 कॉन्सर्ट्स होते थे बाहुलपुर में। तो मुझे वो एक जो बहुत अच्छे जानने वाले, वो कहते जी
वो फलां डीजे आया, ठीक है, वो डीजे ने जो है ना लाइट्स ऑफ करवा दी, रात के 12 बज रहे थे, उसने लाइट्स ऑफ करवा दी और उसके बाद जो उसने म्यूजिक की बीट चलाई है तो बस फिर हमें जो है ना एक घंटा होश नहीं था, हमने उसके ऊपर फुल डांस किया। वाओ, इकबाल के शाहीन क्या काम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो इस बात की मुझे बिल्कुल, यार तुमने गाने सुनने, तुम चुप करके खड़े हो गाने सुन रहे, ऐसे करके खड़े हो ऐसे करके भी तो कानों में आवाज़ पड़ रही है ना, सुन लो गाने, ये चलो ऐसे बहुत अच्छा नहीं है, हाथ पीछे मान लो, कुछ कर लो, ये क्या यार, ये आँखें बंद की हुई हैं, ये मुझे तो करना भी नहीं आएगा भाई, माजरत के साथ, जो हरकतें वहाँ पर चल रही थी। और अस्तग़फ़िरुल्लाह, यही कह सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कह सकता। इसके बाद खैर हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। तीसरी चीज़ जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व की, ठीक है, वो ये थी कि स्टेज था बिल्कुल सामने, बीच में पार्टीशन हुई हुई थी, इधर लेडीज़ साइड थी, लेडीज़ थी, फैमिलीज थी, आई डोंट नो, ठीक है, इधर लड़कों वाली साइड थी, उधर लड़कियों वाली साइड थी, यूँ कर लेते हैं हम, सामने स्टेज था, ठीक है। अब परफॉर्मेंस हो रही है, सब स्टेज की तरफ देख रहे हैं, स्टेज की वीडियोज़ बना रहे हैं, क्लिप्स बना रहे हैं, सब कुछ। कुछ बहुत ही कम सात लोग, माजरत के साथ मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही, चले वो खुद समझ गए होंगे कि वो किस टाइप के लोग हैं, गंदे अंडे मैं ये कहूँगा उन्हें, वो बजाय इसके सामने की वीडियोस बनाए, वो हाथ ऊपर करके लेडीज साइड की वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। और एक आधी दफ़ा नहीं बनाया गया जो गलती से हाथ उधर चला गया, मैंने पहले उन्हें खड़े होकर ऑब्जर्व किया और उसके बाद मैंने उनकी वीडियोज़ बनाई, ठीक है। अगर मैंने उनकी वीडियो शूट कर लिया तो इसका मतलब है कि वो परमानेंटली वहाँ पे कैमरा उन्होंने किया हुआ होगा, ठीक है, ये भी आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। तो ये जो इस टाइप के जो गंदी नस्ल के लोग हैं, ठीक है, माजरत के साथ, माजरत मैं अपनी ऑडियंस से कर रहा हूँ, उन लोगों से नहीं कर रहा हूँ, उन्हें मैं जो कह रहा हूँ मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे लोगों, ये वो लोग होते हैं कि जिनकी वजह से लोगों का घर से बाहर, ख़ास तौर पे फैमिलीज़ का, लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है। और ये इस टाइप के लोग आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्सर्ट में मिलें, ये लोग आपको कॉन्सर्ट में भी मिलेंगे, ये लोग आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो कहेंगे यार मेरी तस्वीर खींचना और खड़े वहाँ पे होंगे जहाँ पीछे लड़कियाँ खड़ी होंगी, ठीक है। तो मेन मकसद उनका क्या होता है वो यू बेटर अंडरस्टैंड। तो ये था जी 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई, इनके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हरकत काम वगैरह हुए जो कॉन्सर्ट्स में हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं, जगह ही ऐसी है वो, ठीक है, आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं गलत कामों के लिए तो वहाँ पे गलत काम ही होंगे, मतलब आप तो प्रोवाइड कर रहे हैं कि आगे लाइव सुने, लेकिन वहाँ पे अगर सिक्योरिटी सही नहीं है, अपना वो क्या कहते हैं उन्हें, अरेंजमेंट्स वगैरह सही नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे गलत काम ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम आते हैं अपनी पूरी स्टोरी के ऊपर, कॉन्सर्ट में हुआ क्या, हम वहाँ गए क्या, देखा क्या हुआ, उस सारी चीज़ के ऊपर। तो खैर मैंने जो मेरा ये पिछला मोटिव मैंने आपको दिखाया है, इस मोटिव के तहत मैं गया कॉन्सर्ट में, और मेरा इरादा भी ये था कि मैंने सिर्फ इतना व्लॉग शूट करना है जो मैंने आपको पीछे दिखाया, इससे आगे का मेरा कोई इरादा नहीं था व्लॉग शूट करने का, लेकिन वहाँ पे जो हुआ उसके बाद ये व्लॉग आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यंगस्टर्स जिनको नहीं पता, एक बैंड है, ठीक है, जो रैप सॉन्ग्स गाते हैं और काफ़ी मशहूर हैं, आजकल पॉपुलर हैं। तो भाईजान 7 तारीख 6 बजे कॉन्सर्ट स्टार्ट होना था, हमें ये पता था कि हमने 7 बजे पहुँचना है, चलो 7 बजे चले जाएंगे, मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ी और रवाना हुए, कहाँ के लिए, कॉन्सर्ट के लिए। तो खैर कॉन्सर्ट में जी हम पहुँचे तकरीबन 7:15 हो रहे थे, हमें ये था कि हम लेट हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा, मतलब गेट शेट बंद ना हो गए हो या कुछ टाइप का सीन। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे तो पता चला यहाँ पे तो अभी कॉन्सर्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, कोई सीन ही नहीं है, और शायद पहले 200-300 लोगों में हम आ रहे हैं। अच्छा खैर वहाँ पे खड़े हो गए बाहर, इंतज़ार किया, अब आ तो गए इतना दूर DHA गए, तो आधे पौने घंटे के बाद हम वहाँ पे खड़े रहे, आधे पौने घंटे के बाद जी वो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी लाइन को लाइन अप किया, पासिस दिखाएं और क्रॉस करें और आप हम लॉन में पहुंच गए। जब हम ग्राउंड में पहुंचे, जिस ग्राउंड में कॉन्सर्ट होना था, तो वहाँ पहुंचे पता चला अच्छा अभी तो स्टेज भी नहीं बना, स्टेज भी अभी बनना बाकी है। तो खैर खड़े रहे, स्टेज बनना शुरू हो रहा है, अब ये लाइटें आ रही हैं, अब स्पीकर आ रहे हैं, अब ये हो रहा है और वो हो रहा है। खैर उस दिन बारिश थी, तो मे बी बारिश की वजह से थोड़ा सा 5 बजे तक बारिश होती थी उस दिन, लेकिन कॉन्सर्ट जब 7 बजे स्टार्ट होना था तो 2 घंटे मेरा ख्याल है मोर देन इनफ
लेकिन स्टेज सजना सवरना और स्टार्ट ही बनना स्टार्ट ही 7 बजे हुआ। ठीक है, तो खैर हम इंतज़ार किए जी स्टेज बन रहा है 9:15 बजे तकरीबन जाके 9:15-9:20 हो सकता है। मेरे ये टाइमिंग्स जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हों क्योंकि मैं व्लॉग बहुत अरसे के बाद ये क्लिप शूट कर रहा हूँ। तो 9:15-9 बजे बहरहाल स्टेज बन चुका, लाइट्स शाइट्स ऑन हो गई और होस्ट साहब जो हैं वो आ गए स्टेज के ऊपर। अब जो ये होस्ट साहब है ना जी, ये ब्लू जैकेट नीली जैकेट वाला बंदा, ठीक है, ये बंदे को आपने याद रखना है। मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है क्या नहीं, ये नीली जैकेट वाले बंदे को आपने याद रखना है, ठीक है। खैर होस्ट साहब आए, आके इन्होंने कहा कि जी मैं आपका होस्ट हूँ, आई यूबीसी में बिलोंग करता हूँ और ये है और वो है और सारा कुछ। तो एक बैंड की आप परफॉर्मेंस सुन लें, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना यंगस्टर्स आएंगे। अब आवाम गई थी भाई यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस सुनने, चलो कोई नहीं, बड़े जो बैंड होते हैं वो ऐसे ही तो नहीं आएंगे स्टेज पे, ऐसी बात है, उनसे पहले कुछ छोटे बैंड परफॉर्म करेंगे, चलो कोई बात नहीं। बैंड आया जी पहला, आई डोंट नो उसका क्या नाम था क्या नहीं था, ठीक है, हम पीछे चिप्स शिप्स खा रहे थे, ठीक है। अब बैंड आया, उसने आके शुरू किया, क्या शुरू किया, उसने आके गुलाबी आँखें गाया और ऐसा गाया कि हमारी आँखों में से आंसू निकले और हमने माजरत की गुलाबी आँखें ओरिजिनल गाने वालों से, ठीक है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी इन लोगों से कि भैया तुम स्टेज से उतर जाओ, खुदा रहा ये गुलाबी आँखें जो हैं ये रो रही हैं, ठीक है, दीज आइज आर क्राइंग। तो खैर वो अपनी परफॉर्मेंस जो भी था वो किया, किसी ने उन्हें सुना किसी ने नहीं सुना, जो लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे उन्होंने अपनी बैटरियाँ इनके ऊपर ज़ाया कर दी, वीडियो शीडियो स्नैप्स बना के सारा कुछ। ये गुलाबी आँखों वाला बैंड जो था ये चला गया, एक दो को और गाने भी शायद इन्होंने गाए तो, लेकिन बहरहाल इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि इन्हें, इनके लिए हम अपनी चिप्स छोड़ के जाते और जाके इनको सुनते हैं। अभी जी हमें यहाँ खड़े हुए कोई 3 घंटे हो चुके हैं, 7 बजे आए थे 10 बजे, और अभी मैंने स्टेज पे देखा नबील भाई जो हैं वो खड़े हुए थे, नबील अशरफ द वीडियोग्राफर द ब्लॉगर द यूट्यूबर एंड द मीडिया पार्टनर ऑफ ग्रुप फेस्ट, उनको मैंने जो है ना नीचे बुलाया है अभी बाहर स्टेज से बाहर। तो नबील जो है ना वो मेरे साथ हैं, नबील भाई टिकट रिफंड हो सकते नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मुंह तोड़ जवाब दे दिया। हाँ उतार लो, ये चले गए। होस्ट साहब दोबारा आए, होस्ट साहब ने आके कहा जी कि ताबीर बैंड आएगा और ताबीर बैंड में वो परफॉर्म करेगा और ये होगा और होगा। अब थोड़ा सा हमने इस पर जो है वो किया गया, तुमने तो कहा था एक बैंड है, ठीक है, अब तुम दूसरे बैंड को ला रहे हो, लेकिन क्योंकि ताबीर बैंड की पहले इनके इंस्टाग्राम ग्रुप फेस्ट वालों के इंस्टाग्राम पेज पे हो चुका था एडवर्टाइज कि ताबीर बैंड भी परफॉर्म करेगा, तो अब हमने कहा चलो ठीक है ताबीर को सुन लेते हैं। और ताबीर बैंड क्योंकि बहावलपुर का लोकल है तो उसके बारे में पता भी था लोगों को। तो ताबीर बैंड आया, ताबीर बैंड ने आकर लिटरली जिसको कहते हैं ना कंसर्ट का माहौल उठा देना, ठीक है, उन्होंने ये काम किया। ताबीर बैंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा, मतलब पिछले बैंड से लाख दर्जे बेहतर। और वो एक जिसको कहते हैं ना कि यार ग्रुप फेस्ट फेल हो रहा है, तो ताबीर बैंड के आने के बाद लोग चुप हो गए कि नहीं यार कॉन्सर्ट हो रहा है, ठीक है, वाकई में नज़र आ रहा है कि कॉन्सर्ट है ये। साथ
ताबीर मैन की परफॉर्मेंस हुई जी, ताबीर मैन की परफॉर्मेंस के बाद दोबारा ये नीली जैकेट वाले होस्ट साहब जो है ये स्टेज पर चढ़ गए। ठीक है, स्टेज पर आए ये, इन्होंने आके कहा कि जी ताबीर मैन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सारा कुछ, एक परफॉर्मेंस और है, लाहौर से हमने सिंगर बुलवाए हैं और ये और वो। इस पे खैर आवाम का जो पारा था वो मज़ीद हाई हो गया और होस्ट को यहाँ से जो है वो गालियाँ पड़नी शुरू हुई। ठीक हो गया, तो खैर वो जो बंदा था लाहौर वाला वो आया, उसने भी यार अच्छा गाया। ठीक है, नो डाउट उसने अच्छा गाया, बंदे ने कोई इतना बुरा नहीं गाया, अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी, लेकिन आवाम खड़ी थी भाई यंग रनर्स के लिए। अच्छा ये सारा करते करते तकरीबन 11 बज चुके थे। ठीक है, यंगस्टर्स का नामो निशान नहीं था, वो बंदा लाहौर वाला आया, उसने आके गाया। अच्छा, वो लाहौर वाला बंदा भाई आपको एक दफ़ा बुलाया है, ठीक है, आप एक दो गाने गाए और जाएं शाबाश। वो भाईजान को इसने 4-5 गाने बल्कि 6-7 गाने उसने सुना दिए। अब वो हर दफ़ा कहता है बस लास्ट परफॉर्मेंस में ही, बस इसके बाद मैं चला जाऊँगा, बस ये वो। और एंड में जब उसको ये अंदाज़ा हुआ कि अब आवाम नहीं रुकने वाली, ठीक है, बोतलें भी आ रही थी स्टेज पर और सारा कुछ, तो फिर उस बंदे ने कहा मुझे आपकी तरफ से बहुत प्यार मिला है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं लाहौर जाके दिखाऊंगा कि मुझे कितना प्यार मिला, और प्यार असल में उसे क्या मिल रहा था वो भी आप मुलाहिदा फरमा लें। गालियाँ सुनने और सारा कुछ देखने के बावजूद जो उसे दिखाया जा रहा था, ये बंदा मुझे बहुत प्यार मिला है बावलपुर से, बावलपुर की आवाम बहुत अच्छी है, ये कहता हुआ स्टेज से उतर गया। ठीक है, फिर आ गया नीली जैकेट वाला बंदा। ये जो नीली जैकेट वाला बंदा है इसने आके फिर लिटरली, अच्छा ये जो लाहौर वाला बंदा था ना, इसके लिए ये नीली जैकेट वाले बंदे ने मिन्नतें की, यार प्लीज़ इसकी परफॉर्मेंस सुन लें, यार प्लीज़ आप एक दफ़ा सुन लें, मतलब भीख मांगी, लिटरली भीख मांगी। ग्रुप फेस्ट इतना ज़्यादा फेल ना होता अगर ये होस्ट ना होता यहाँ पे। ठीक है, खैर फिर ये आया नीली जैकेट वाला बंदा दोबारा, इसने आके कहा कि जी बस जी वो यंगस्टर्स जो है ना वो खाना खा रहे हैं, सिर्फ आप इतना टाइम दे वो खाना खा लें, यार वो भूखे हैं, यार वो खाना खा लें, बस पीछे बैठे हुए वो खाना खा रहे हैं, वो ये है वो है। यार हमें अंदर की खबर ये मिली थी कि यंगस्टर्स जो हैं वो दो गाड़ियाँ लेके और शहर की राइड में निकले हुए। ठीक है, ये हमें खबर पहले ही मिल गई थी, किससे मिली थी वो मैं नहीं बताऊँगा ऑफकोर्स। यार आ चुके हैं बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है। यार देखो यार पहली बार फिर इसने क्या टोपी कराई काफ़ी देर के बाद कि जी वो ना यंगस्टर्स है ना DHA के गेट में है बस आ रहे हैं। अब आवाम ने कहा भाई अभी तो तू कह रहा था कि खाना खा रहे हैं, अभी तो कह रहा है कि DHA के गेट में आ रहे हैं बस, व्हाट इज़ दिस। ठीक है, और मैं समझ चुका था कि वो जो यंगस्टर्स घूमने फिरने गए हुए हैं वो बात सही है। ठीक है, जो मुझे पहले पता चली थी कहीं से, अब जी वो DHA के गेट में है वो बस आ रहे हैं। अच्छा आप ना, अब इसने क्या किया कि आप ऑडियंस में से बंदे बुलाए 2-3, आप आके कुछ हमें सुनाए, रैप सुनाए, ये सुनाए, वो सुनाए। तो 2-3 बंदे आए, ठीक है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल को मैं दाद देना चाहूँगा कि इतने एंग्री क्राउड के आगे, इतने एग्रेसिव क्राउड के आगे वो स्टेज पे आके उन्होंने परफॉर्म किया। ठीक है, जिसमें कि मैं नाम लेना चाहूँगा, एक बंदे का मुझे नाम याद है, बॉय फ्रॉम BWP, इंस्टाग्राम ID है उनकी। ठीक है, उन्होंने आके परफॉर्म किया स्टेज पे, रिलीजिंग ऑन 1st of February। यू गेट द राइट वाइब, ये बावलपुर है जो साथ शुरू हुए थे वो सारे पुर हैं, आजाद हुए पंजी कैसे पिंजरे से, तो काले कुत्ते पहने निकले हम पिंजरे से अंदरून तक आवाजे, मेरे शहर की मेहमान नवाजी ना देख, मेहमान नवाजी तो आ तुसा तंग वैसो, अभी आ बैठे हो वो पूछे वाले कटना सो, लाला के चल सी चापी सो मीठा पान का सो, लाला मेरे को माफ करो फिर तुसा जान का सो, जान नहीं खाते भरा सकी कोई गारंटी नहीं है, तेरे सुरू रही है शहर। ये जो बॉय फ्रॉम BWP है ना भाई, इसको मैं 100 नंबर देना चाहूंगा। ठीक है, बड़ा कमाल बंदा,
ठीक है, इतने अग्रेसिव क्राउड के सामने माइक उठा के इसने रैप सुनाया और क्या ही जबरदस्त रैप सुनाया, ठीक है। और टोटली फ्रॉम बहावलपुर ये बिलोंग करता है, इसका रैप भी सारा मेड इन बहावलपुर सारा कुछ, तो जाके जरूर चेक कीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, ठीक हो गया भाई। इन दो तीन लोगों ने जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई, परफॉर्म किया स्टेज पे आके ऑडियंस में से। फिर नीली जैकेट वाला होस्ट दोबारा आ गया। अब तक इस बंदे को दुनिया जहान की हर गाली पड़ चुकी थी, ठीक है, हर चीज़ हो चुकी थी इसके साथ, बोतलें भी इसको लग चुकी थी या पता नहीं फेंकी गई थी, बहरहाल जो भी था। और सुनने में आया कि एक आधा जूता भी है स्टेज पे उछाला गया, सच या झूठ पता नहीं, सुनने में आया बहरहाल। फिर ये हुआ सीन के जी गार्ड्स यंगस्टर्स के स्टेज पे चढ़े, ठीक है। अब क्या सीन था, अब यंगस्टर्स आने वाले हैं स्टेज पे। इस वक्त 12:10 हो चुके थे, रात के 12:10, 8 जनवरी स्टार्ट हो चुकी थी। परफॉर्म कब होना था, 6 बजे 7 तारीख को। खैर गार्ड्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, गार्ड वापस चले गए, तो जो इंतजामिया के लोग थे वो आए, मैनेजमेंट वाले, और यूं सर जोड़ के जो है ना वो खड़े हो गए। जब वो यूं सर जोड़ के खड़े हुए ना, मैंने अपने दोनों साथियों से कहा, मैंने कहा भाई चुप करके निकलो और घर चलो, इन्होंने यहाँ परफॉर्म नहीं करना आज, ये दोनों यंगस्टर्स के फैन। अच्छा अब तक मुझे भी यार ये हो चुका, तो इतना हाइप क्रिएट हुई है यंगस्टर्स आखिर हैं क्या, चलो सुन लेते हैं लाइव। लेकिन तब तक मैंने कहा यार देखो बात है, उस वक्त मैंने ना इन्हें बात की 12:10 रात को, मैंने कहा यार देखो मैं इरफान जुनेजो का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, अगर इरफान जुनेजो की भी कोई लाइव परफॉर्मेंस कोई कुछ होता, इज़ नॉट अ सिंगर, लेकिन कुछ भी ऐसा होता सीन, कोई मीटअप सीन होता, कोई कुछ भी होता, और 6 बजे का बुलावा होता और रात के 12:10 हो गए होते, इरफान भी स्टेज पे ना चढ़े होते या ना आए होते, तो मैं वो जगह छोड़ के आ जाता, ठीक है। जो बंदा वक्त की पाबंदी नहीं कर सकता वो फिर मेरे ख्याल के उसके लिए आपको इतना इंतजार करना चाहिए, अपनी सारी चीज़ें छोड़ के आप उसके इंतजार में खड़े रहें, ये फिर आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो उसको आप गिरा रहे हैं। तो इन्हें मैंने खैर बड़ी लान तान की और हम 12:15 में निकल आए वहाँ से, वो आप देखें सीन। 12:13 हो चुके हैं, ठीक है, 8 जनवरी 7 जनवरी को शाम 7 बजे वायस का ये कॉन्सर्ट होना था जहाँ पे वायस ने आना था, ठीक है। मेरे पीछे आप आवाम देख सकते हैं कितनी कम हो चुकी है, कुछ इधर इस तरफ भी लोग स्टॉल्स वगैरह पे खड़े हुए हैं, ठीक है। 12:13 में हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, कॉन्सर्ट छोड़ के वायस अभी तक नहीं है, चलने वालों में सिर्फ हम शामिल नहीं हैं। ये देखें ये लोग आगे भी हमारे काफी सारे लोग निकल चुके हैं और पीछे भी हम जो है वो आ रही है। हम जी यहाँ से निकल आए कॉन्सर्ट से, तो घर पहुंचे तकरीबन 12:40 मैं घर पहुंचा। जैसे मैं घर पहुंचा चेंज किया तो उसके बाद कोई 1 बजे खबर मिली, हा 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 व्हाट हैपेंड, यंगस्टर्स ने परफॉर्म ही नहीं किया, परफॉर्म किए बगैर चले गए, कोई चीज़ सामने नहीं आई। आज 24 जनवरी है, ठीक है, 7 जनवरी को ये सारा सीन हुआ था, तब से लेके अभी तक ना ग्रुप फेस्ट वालों ने कोई वीडियो बना के डाली कि भाई हमारी गलती नहीं थी, ना ग्रुप फेस्ट वालों ने कोई वीडियो बना के डाली कि हमारी गलती नहीं थी, ठीक है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया वहाँ को। या तो आप क्लैरिफाई करें कि भाई हमारी गलती नहीं थी, ये वजह हुई, या गलती किसी की भी, मैं भी किसी की भी गलती ना हो, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू, जो भी इशू था वो आपको आके बताना चाहिए था कि भाई ये सीन है, इस वजह से हमने परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। ग्रुप फेस्ट वालों के इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाएं तो वो वहाँ पे जो है वो पोस्ट सारी डिलीट हो गई थी, उसी रात पोस्ट सारी डिलीट हो चुकी थी, ठीक है। मैंने तो उन्हें एक मैसेज किया, मैंने कहा भाई बाकी सबको छोड़िए, नीली जैकेट वाला होस्ट कहाँ मिलेगा, इसका एड्रेस बता दें मुझे, बस सिर्फ इसका एड्रेस बता दें मुझे। ये था जी सारा सीन, और वेरी डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, मतलब इतना बड़ा बढ़िया बैंड है और सुनने में ही आया कि 1.5 लाख के ऊपर कॉन्सर्ट जो है वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, परफॉर्म नहीं किया, तो अगर आप इतने बड़े बैंड हैं तो ये काम नहीं बनता था, ठीक है। नहीं भी किया आपने तो आपकी क्लैरिफिकेशन ज़रूर बनती थी, आप ज़रूर बताते, रीज़न बताते कि रीज़न क्या थी परफॉर्म ना करने के पीछे। आवाम को नहीं पता ग्रुप फेस्ट वाले कौन है भाई, आवाम को ये पता है यंगस्टर्स कौन है, ठीक है। आवाम अगर आई थी ग्रुप फेस्ट की वजह से नहीं आई थी, आवाम अगर आई थी रूट्स आईवी की वजह से नहीं आई थी, आवाम अगर आई थी तो यंगस्टर्स की खातिर आई थी, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आई थी, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ भी यंगस्टर्स का बनता है कि वो आकर परफॉर्म वो आकर क्लैरिफाई करें, रीज़न बताएं कि भाई हम ग्रुप फेस्ट पे हमने परफॉर्म क्यों नहीं किया, व्हाट वाज द रीज़न, ठीक है। एक वीडियो बना दें, एक क्लिप बना दें, 1 मिनट का 2 मिनट का, क्या
अब आप इतने भी यार वो बिजी नहीं हो गए कि आप ये काम ना कर सको। उनकी खातिर जिन्होंने आपके लिए हज़ार हज़ार रुपये भेजा, हज़ार भी छोड़ो वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपके फैंस हैं ठीक है, जिन्होंने आपके लिए छः घंटे सात घंटे सात आठ घंटे जिन्होंने आपके लिए वेट किया, तो उनके लिए आपकी ये कोई सात आठ ना एक दो मिनट की वीडियो तो बनती है। रीज़न बता दें कम से कम कि भाई हमने इसलिए परफॉर्म नहीं किया, दिस वॉज द रीज़न। वरना ऑब्वियसली फिर यही है कि सिंपली एक लेमैन यही समझेगा पैसे खाए गए हैं ठीक है, टोपी कराई गई है। यंगस्टर्स बाहुलू में थे, उस जगह पर थे, ये भी हमें पता है, स्टेज पर चढ़ रहे थे, ये भी हमें पता है। यहाँ पे क्या ऐसा मसला हुआ कि यंगस्टर स्टेज पर नहीं आए, परफॉर्म नहीं किया, ये रीज़न आके बता दें तो मेरे ख्याल में लोगों के दिलों में जो आपके लिए जज्बात हैं वो बरकरार रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त ठीक है, ये था आज का ब्लॉग, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आएगा, ज़रूर आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।